औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे तमाम एवरग्रीन की मेंबर, और अभी मुतासिर नहीं कहूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हम लैंड की तरफ से जो हमारी परेशानी थी वो ख़त्म हो चुकी है और हम एक जगह लैंड पर लैंड कर गए, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश कर रहा था कि आज ही आप लोगों को बुला लेता साइड पे, जो इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन की वजह से जो है ना ये खुद डिले किया है मशवरे से चंद दोस्तों के, तो इंशाल्लाह इलेक्शन से 8 तारीख को बस 2 दिन रह गए, तो 8 तारीख को इलेक्शन फाइनल ख़त्म होंगे, तो 9 तारीख को जो है ना इंशाल्लाह सब साइड पर हाज़िर हो जाए और अल्लाह का नाम लेके जो है ना अपने अपने प्लॉट लें और काम करें। और अगर मैं चाहता तो मैं बहुत पहले ये आप लोगों को फारिग कर देता, मैं टिपिकल वही काम करता जो सारी सोसाइटीज़ करती हैं, और मैं परचेजिंग शुरू कर देता जो हालात गुजर रहे थे, जो सब के ऊपर, और मुझे सब के हालात से बेहतर मैं वाकिफ़ हूँ कि यहाँ तक भी हालात आए हैं कि 20,000 रुपये में भी फाइल बेची गई है और परचेज़ की गई है। और सद अफसोस के साथ कहता हूँ कि उन भाई का नुकसान हुआ है, लेकिन वो नफ़ा नुकसान मेरे हाथ में नहीं है, वो रब के हाथ में है, और नफ़ा नुकसान वही देने वाला रब की ज़ात है। बस ये है कि ज़ाहिर है इंसान की जब ज़रूरत होती है तो फिर इंसान नहीं देखता। लेकिन मैंने बात इतनी सी है कि मैं बहुत जगह देखी, मैंने मतलब मैंने पिंडी इस्लामाबाद में नीला दुला तक, यहाँ से नीला दुला तक, यहाँ से गुजर खान से भी आगे तक जगह कोई नहीं छोड़ी होगी। मुझे अभी याद नहीं आता कि कोई मुझे जगह पर ले जाए और दिखाने के लिए और मैं वहाँ पर ना गया हूँ, बहुत जगह मैंने की है। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती थी जिसकी वजह से मैं पीछे हट जाता हूँ कि मैं, क्योंकि मैंने काम करना है, मैंने आप लोगों को प्लॉट दे के, आप लोगों से परचेजिंग करके मैंने बाहर नहीं जाना, निकल नहीं जाना, मैंने काम करना है मेरे भाई। और काम करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे अच्छी जगह देखनी थी, बेहतर लोग देखने थे कि मैं कहाँ जो है ना कंफर्टेबल मैं हो सकता हूँ, आप लोगों को कहाँ कर सकता हूँ। तो मैंने तो हर तरह से कोशिश की कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करूँ, लेकिन रब को जो मंजूर था, और हर चीज़ का एक वक्त होता है, और अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुछ और रखा था और कुछ और सोच रखे। तो मैंने बड़ी कोशिश की और मैंने बहुत सारे लैंड देखे, लेकिन मुझे लैंड पे समझ नहीं है, कहीं पे लैंड समझ नहीं है, कहीं पे लोग समझ नहीं है। मैंने कहा ये फिर सारे लोग जो है ना फिर ये पीछे मेरी बदवाएँ करें और कहेंगे जी कहाँ पसा गया मैं, ठीक है ना, फंसाने वाला हूँ ना फंसाऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं किस फैमिली में से हूँ, मेरा ब्लड क्या है, ये इंशाल्लाह वक्त आ गया है जो बताऊँगा आप लोगों को। और ना मैं भागा हूँ ना मैं भागूँगा, क्यों भागूँ मैं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। और अभी इस टाइम डॉक्यूमेंट्स कुछ कम है तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने एवरग्रीन से क्या पैसे, कितने पैसे उठाए होंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर ले। और ठीक है ना, टोटल जो है ये 658 फाइल है, 658 में जो है ना 525 फाइल तकरीबन मार्केट में बाकी हमारे पास है, तो उनको 20,000 दे दें और फॉर्म बना लें कि कितने फॉर्म बनते हैं और कितने पैसे बनते हैं मुझे आए हैं, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। और वैसे भी मैं ये बिल्कुल मीडिया पे दूंगा और पूरा हिसाब किताब दूंगा, 1 रुपये का हिसाब दूंगा। और बात ये है कि आपस में आप लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेता, अभी भी ताने कचेरी के चक्कर लोग लगा रहे हैं और किसी न किसी के मशवरे पे ताना कचेरी जा रहे हैं और FIR के चक्कर में जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, देखो बात इतनी सी है कि ना तो मैं भाग रहा हूँ मेरे भाई, और चीज़ें भी क्लोजिंग पे आ गई हैं। खुदा रहे ना अपने आप को तंग करें और ना मुझे तंग करें, ना दूसरे भाई लोगों को तंग करें, फिर मामला, फिर चीज़ें डिले हो जाती हैं और चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो बराए मेहरबानी अपने पे भी रहम करें, मुझ पर भी रहम करें, और इस चीज़ से ज़रा सा इस्तेमाल करें और दूर रहें।
बस ये इलेक्शन के 2 दिन रह गए, बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कल भी आप लोगों को साइड बुला सकता हूँ। तो बरए मेहरबानी करें, अपने आप पर भी रहम करें, मुझ पर भी रहम करें। और अब बहुत हो गया ना, अब बहुत हो गया। और ये अफिया ताना कचेरी जो है ना, इनसे कुछ ना हासिल होता है मेरे भाई। और ताना कचेरी जो है ये हर उस इंसान के लिए भी है कि जो जिसने कुछ भी नहीं किया होता, ठीक है ना। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ इस शहर में परदेसी हूँ और मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ। शायद लोकल होता तो मेरे साथ इस तरह फ्रॉड भी ना होता, ठीक है। और इंशाल्लाह जिस जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है और जो भी है वो, ठीक है ना, और इंशाल्लाह मेरा हक है और मेरा पैसा हक हलाल का है। एक एक रुपया मेरा हलाल का है। मैंने हराम कमाई कभी जिंदगी में नहीं खाई है, ठीक है, और ना अपने बच्चों को खिलाई है। और ये मेरा रब जानता है। मुझे कोई अपनी तारीफें करने का कोई शौक नहीं है, ना वो कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। मैं अच्छा अगर होता तो फिर ये इतनी ख्वारियाँ मेरे साथ ना होती, ठीक है ना। तो बखौले आप लोगों के, और ख्वारियाँ उसी के साथ होती हैं जो इंसान अच्छा होता है, बाकी तो सब हो जाता है, ठीक है ना। तो बड़ा मेहरबानी जो है ना, ये ताने से इंसाफ करें और एक दूसरे को जो है ना अच्छा मशवरा दें। और फाइलें इस तरीके से 20-20 हज़ार रुपये में ना बेचें। चले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने आप लोगों की मर्जिंग पूरे अमाउंट में की है, जितनी डाउन पेमेंट उस पर लिखी हुई है। हालांकि मुझे पेमेंट क्या आई है ये भी आप लोगों को पता है। 3.5 लाख रुपये मैंने मर्जिंग कर रहा हूँ, पूरे पूरे अमाउंट में मर्जिंग कर रहा हूँ मैं। और आप लोगों को प्लॉट मेरे ख्याल से भी तत्काल लिस्टी पड़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक सो 5 या 5.25 इस तरीके से। और क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और ये मैंने इसलिए किया है, इसलिए किया है, और ये सबके लिए, जिसने मुझ पर केस किया है, जिसने मेरे साथ अच्छा किया बुरा किया, सबके लिए एक ही बात है, चाहे मेरे सगा भाई है उसके लिए भी एक ही बात है। तो मैंने ये इसलिए किया है कि मेरे भाई आप लोगों का जो गिला है मुझ पर कि इतना अरसा हो गया और इतना अरसा हो गया और इतना अरसा हो गया, मैं चाहता तो ये लैंड ना लेता ना, मैं वहाँ की पेमेंट ना देता और मैं आप लोगों से कि 25,000-20,000 में परचेज कर लेता, मैं 30,000 में परचेज करता। कितने की फेरे बनती टोटल? 1.5-2 करोड़ रुपये की फेरे बनती, बस इतनी सी बात थी। पर मैंने काम करने, मेरे भाई मैंने किसी को नुकसान देने नहीं आया था, ना नुकसान दूंगा। नुकसान मेरा रब देता है, मैंने नहीं सोचा नुकसान किसी मुसलमान को देने का, किसी भी मुसलमान को देने का। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा, हम भी यहीं पर हैं। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसमें कोई शक भी नहीं है। और साद नज़ीर साहब जो हैं एक वाकई अच्छे प्लानर हैं, और मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ उनका, बड़ी इज्जत करता हूँ उनको। और वो एक अच्छे प्लानर हैं। और साद नज़ीर साहब जो हैं वो प्लानिंग तो साथ साथ, लेकिन वो चीज़ों को जितना बारीकियों से देखते हैं, मैं सब रहा हूँ मुझे पता है। और माशाल्लाह, क्योंकि हमारे हमसाए हैं, हमसायों की तारीफ करनी चाहिए, मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं चाहता हूँ। और शोहेब नदीम साहब है, उसके साथ तो मेरी वैसी दिल लगी है, बड़े अच्छे ताल्लुक है हमसे। नईम साहब से इतना नहीं है। तो जो सब बाकी रह गए, सरफराज गोंदल साहब, सरफराज गोंदल साहब तो जी वो तो खिलाड़ी हैं और मार्केटिंग के किंग हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीखा है हमने, इंशाल्लाह हमारे हमसाये भी हैं। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट तो वैसे ही बिक जाना चाहिए, क्योंकि जब एक साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा हो, और हमारा प्रोजेक्ट तो वैसे ही बिक जाना चाहिए। और जो इसमें मैंने 1,000 प्लॉट के ब्लॉक दिए, वैसे मैं जॉइंट वेंचर किया है इनके साथ, और जॉइंट वेंचर मैंने किया है, ब्लॉक मैंने अरविंद के इसलिए दिए कि एक उसकी अलहदा कम्युनिटी और उसके अलहदा रोड साइजेज और उसके प्लॉट के साइज़ भी बड़ा है। और प्लॉट का साइज मैंने दिया है 25-50 का, तो बाकियों का जो है वो आपको पता ही है। तो हर तरह से बेहतर की है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करें अपने आप पर भी और मुझ पर भी, और ये ताने कचेरी के चक्कर लगाना छोड़ दें और अपनी चीज़ों को क्लोज करें जल्द से जल्द। और मुझे ही माफ़ करें और मैं आप लोगों को माफ़ करता हूँ। और
और हाँ, आखिरी बात ये कह दूंगा आप लोगों से कि अब ना पूरे पाकिस्तान में और इंशाल्लाह बहुत जल्द सऊदी अरब में मैं वो लॉन्च करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।